दिस इज टेस्ट नंबर 6. वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 10 क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है हमारे पास, द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंट का हिल्स फॉलो रेडियल पैटर्न. तो सही बात है, जो अमरकंट का से रीजन से जो रिवर निकलती है वो रेडियल पैटर्न होती है. रेडियल पैटर्न क्या होता है, जिस तरह से रूट होती है हमारी उस तरह से जड़ें फैली होती हैं. अलग आपको देखोगे तो अलग अलग रेडिकल्स निकले होते हैं, उसको हम रेडियल पैटर्न कहते हैं. तो फर्स्ट हमारा सही है. सेकंड अगर देखो, द बाउंड्री लाइज सेपरेशन वन ड्रेनेज बेसन फ्रॉम अदर इज नोन एज वाटर शेड. तो वाटर शेड क्या होता है, एक बेसन को दूसरे बेसन से अलग कर देना वाटर शेड होता है. तो 1 and 2 दोनों सही हैं, इसका आंसर होगा सी. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आप 12 पे चलो. फर्स्ट हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंटिनेंस ट्राइब लिव्स इन स्टेट ऑफ झारखंड. तो ये तो पता ही होना चाहिए आपको, जो सेंटिनेंस ट्राइब्स है वो झारखंड में नहीं रहते, वो अंडमान निकोबार में रहते हैं. ये मैंने क्वेश्चन आपको स्टैटिक क्वेश्चन में भी कराया था. दूसरा तो फर्स्ट तो गलत हो गया. सेकंड वे पे आते हैं हम, द रूलर्स आर द ड्रेविडियन एथिक्स ग्रुप इनहैबिटेड इन द एरिया ऑफ द नीलगिरी माउंटेन. ये हमारे पास सही है, नीलगिरी माउंटेन के अंदर हमारे पास इस तरह के इनहैबिटेड रहते हैं जो इस तरह के ग्रुप से बिलोंग करते हैं. थर्ड हमारे पास है, अगर आप थर्ड के देखोगे, द गदीज आर द ट्राइब्स लिविंग इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गदीज है वो उस तरह के जो ट्राइबल्स हैं वो रहते हैं. तो अगर देखो तो सेकंड एंड थर्ड तीनों सही हैं, दोनों सही हैं, फर्स्ट हमारा गलत है. तो आंसर है इसका सेकंड एंड थर्ड सही होगा, इसका आंसर होगा बी. ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर आप 13 पे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट शेयर द बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश. इसके लिए आपको बांग्लादेश का नक्शा याद होना चाहिए. अगर आप क्वेश्चन याद करो तो मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे बांग्लादेश में मिलता है, क्योंकि मणिपुर नहीं मिला था. जो मणिपुर है वो थोड़ा ऊपर को है तो बांग्लादेश नहीं मिलता. ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो थोड़ा सा मैप आपको देखना पड़ेगा. उस मैप के अंदर क्या होता है, जो इक्वेटर से पास होती है लाइन बीच में हमारा 23.5 डिग्री से, तो उसमें जो पहला पार्ट मिजोरम आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर नागालैंड आता है. तो ये नागालैंड और मणिपुर ये दोनों ही पास नहीं होते बांग्लादेश बाउंड्री से. तो आंसर इसका डी. ये आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये देख लो आप. क्वेश्चन नंबर आप 14 पे चल सकते हो आप. क्वेश्चन नंबर 14 पे हमारे पास फर्स्ट आंसर हमारा, सतलुज रिवर पास थ्रू द कृष्ण वैलीज कश्मीरी वैलीज बिलो वल्डूर लेक. गलत है. देखो तो वल्डूर लेक कश्मीर वैली से सतलुज पास नहीं होती, पास होती है झेलम रिवर. तो फर्स्ट तो गलत ही हो गया. डुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ड ऑन चिनाब. चिनाब पे सही है, चिनाब के ऊपर है ये डुलहस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट. अच्छा, गोदावरी रिवर ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र. गोदावरी जो महाराष्ट्र से ओरिजिनेटेड है, ये भी सही है. अच्छा, गोदावरी हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा, ये भी याद रखने वाली बात है. महाराष्ट्र से पास होती है. तो सेकंड एंड थर्ड आंसर हुआ इसका, बी आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर आप अगर करोगे 15 के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि जो ये सीजन से रिलेटेड है, फर्स्ट हमारे पास रबी सीजन. तो विद द रेफरेंस टू क्रॉपिंग सेशन ऑफ इंडिया कैन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है रबी क्रॉपिंग सीजन सेशन जो है हमारा फ्रॉम जुलाई अक्टूबर. देखो जुलाई अक्टूबर से ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट माउंटेन, तो गलत है ये. रबी सेशन के बारे में बात करोगे तो जो रबी सेशन के अंदर क्या होता है, रबी क्रॉप्स जो होती हैं उनका सीज़न क्या होता है कि मिड नवंबर में उसको हम उगाते हैं, मतलब उसको सोन करते हैं, और जब उसको हार्वेस्ट करते हैं तो वो अप्रैल और मई में करते हैं. तो फर्स्ट तो गलत हो गया, ये जुलाई अक्टूबर ना होकर यहाँ पर होना चाहिए मिड नवंबर. अच्छा, रबी क्रॉप्स इंक्लूडिंग वीट बार्ली ओट्स चिकन पी ग्राम्स इंस्टेंट मस्टर्ड ऑलिव. ये सही है हमारा, तो सेकंड हमारा सही होगा. ठीक है, 15 का आंसर. 16 का आंसर, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ क्वेश्चन है कि रोजनवुड मैगनी और इलोबनी आर एग्जांपल ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो बताया होना आपको चाहिए. अच्छा, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं. वेस्टर्न घाट या नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है अंडमान निकोबार, वहीं पाए जाते हैं. अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट, ये भी आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट. दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड रीजन, जहाँ पर पीपीटी जो है प्रेसिपिटेट है 2200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, तो आंसर इसका ए. अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, देखो 17 क्वेश्चन, ये तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो आप करना पड़ेगा. अजंता रेंज होगा, कमाऊ रेंज होगी, मैकाले रेंज होगी. तो आंसर इसका 231. इसको नॉर्थ से साउथ लगाओगे तो उसको आपको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मैप बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं.
सतलुज रिवर ओरिजिनेटेड थ्रो द विच ऑफ द फॉलोइंग पास। सतलुज रिवर कौन से पास होते हैं? सिपकिला रीजन से पास होती है, ठीक है। अच्छा, और रीजन अगर आप ये देखो कि कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पासिस हैं, देखो सिपकिला रीजन जो हमारे पास है वो रिवर सतलुज है से वहाँ से पास होती है। अच्छा, नीति पास जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड है, जो कनेक्ट करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को साउथर्न पार्ट तिब्बत को। अच्छा, नथुला पास हमारा सिक्किम और चाइना से रिलेटेड है, और माना जो माना पास है वो हमारा इंडिया और तिब्बत से रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा याद करेगा, अच्छा सा हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं आपको। कैन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तोसो मोरेरी इज़ अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन में लोकेटेड नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। डाल लेक इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर, ये सही है। और अत्तापाका बर्ड सेंचुरी हमारा कोल्यूर लेक में ये सिचुएटेड है, ये भी सही है। तो अगर आप देखो तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं, तो मतलब 1 गलत है, 2 और 3 सही है हमारा, तो आंसर ये हो गया। 20 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रेंज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इज मोर कंटिन्यूस एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न हिमालय। गलत है, देखो ईस्टर्न हिमालय कम कंटिन्यूस है बजाय वेस्टर्न हिमालय के, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। डूंस एंड डूंस फॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक ऑफ द अरुणाचल हिल्स, ये गलत है। अरुणाचल हिल्स की फॉर्मेशन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के जो पार्ट है उसको शो करता है। लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है कश्मीर हिमालय रीजन की, उसमें डूंस मिलते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? द हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमाचल लाई बिटवीन द रिवर झेलम एंड वेस्ट ऑफ द काली इन ईस्ट, ये गलत है। देखो हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमाचल लाइज बिटवीन रिवर ऑफ रवि, यहाँ पे झेलम की जगह रवि आना चाहिए, रवि इन वेस्ट एंड काली इन ईस्ट। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया नन, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।